ग्राम बंचारी में शहीद महिलाल की प्रतिमा को उखाड़ने को लेकर चल रही चर्चाओं को गांव के सरपंच ने अफवाह बताया है। सरपंच का कहना है कि शहीद महिलाल की प्रतिमा उखाड़ना तो दूर, उस प्रतिमा को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा कि गांव के कुछ लोग शहीद की प्रतिमा की आड़ में बीपीएल कार्ड धारकों की जमीन को दबाने की फिराक में हैं। गांव बंचारी के सरकारी स्कूल में पहले ही वीर चक्र विजेता शहीद महिलाल के शहीद होने के बाद ही प्रतिमा लगा दी गई थी, लेकिन कुछ साल पहले शहीद के परिजनों ने प्रेमपट्टी लोहना रोड पर बीपीएल कार्ड धारकों की जमीन किला नंबर 2 व 3 में शहीद महिलाल की दूसरी प्रतिमा स्थापित कर दी। शहीद महिलाल के भतीजे भागीरथ व अन्य ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें पता चला है कि गांव के सरपंच सीताराम इस प्रतिमा को उखाड़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों ने यह प्रतिमा लगी हुई है और पिछले सरपंचों ने भी जिस जमीन में प्रतिमा लगी है उसकी मंजूरी दी हुई है। वही इस मामले में सरपंच का कहना है कि कुछ लोग शहीद की आड़ में बीपीएल कार्ड धारकों की जमीन को दबाने के चक्कर में है। उन्होंने कहा कि जिन बीपीएल कार्ड धारकों की यह जमीन है वह पंचायत से अपने प्लॉट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत ने तो शहीदों के सम्मान को देखते हुए नेशनल हाईवे पर जगह अलाट कराई है, जिसमें शहीद स्मारक स्थल बनाया जा रहा है, जिसमें गांव के सभी शहीदों की प्रतिमाओं को एक जगह पर स्थापित किया जाएगा। व्हाइट फाइल नंबर 5 में शहीद के परिजन भागीरथ, व्हाइट फाइल नंबर 6 में गांव के सरपंच सीताराम। क्या नाम है जी? मेरा नाम भागीरथ सिंह है, मैं भी एक सर्विस मैन हूँ, इन्हीं के परिवार से हूँ, इनका भतीजा हूँ। जो शहीद महिलाल जी हैं, इनके आप भतीजे हो? हाँ जी, खास। तो जो यहाँ मूर्ति हटाने की प्रतिमा, शहीद की मूर्ति हटाने की प्रतिमा का हो रहा है, चलन हटाने की वो बात चल रही है गांव में, तो इसके बारे में क्या कहना है? बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके बारे में ये कहना है जी, यहाँ कुछ लोगों की मतलब प्लाट है जी, पंचायत के पास जैसे गरीबों की, तो हमने ये जमीन वैसे तो घेरी नहीं जी, हमारी डिमांड थी पंचायत से भी हमें कहीं जगह दी जाए शहीद पार्क के लिए। तो यहाँ से अभी से 12-13 साल पहले एक डिगू सरपंच हुआ था, उसने हमें जगह दी और फिर हमने इसको घेरा। उन्होंने बोले भाई यहाँ घेरो आप। उसके बाद में दूसरा राजेंद्र सरपंच हुआ, उस सरपंच ने इसको लिखित में भी दिया हुआ है, पंचायत के मोहर भी है, साइन भी है उनके, जब भी कोई ऐसी बात नहीं थी। तो इसमें कुछ तो हमने गांव का भी पैसा लगा हुआ है जी, इसमें हमारी बिरादरी का भी लगा हुआ है और इसमें उदयवान जी का भी ने भी पैसा लगाया है, नायर जी ने भी पैसा लगाया है। और ये जो 30x30 का जो हॉल बना हुआ है, ये चमेली देवी थी उस टाइम चेयरमैन, उससे महेंद्र वो था हमारा जिला परिषद, वो भी पैसा लाके इसमें लगाया हुआ। तो अब जो मौजूदा सरपंच है जो तो क्या सरपंच ये कह रहा है जी, बोलो इसमें भाई 10-15-20 प्लाट आ रही है भाई, इसको प्लाटों की वजह से इसको हटाया जाएगा भाई। मैं बोला जी प्लाट जगह तो बहुत है आपके पास, 20-25 किला है, इसको छोड़ करके कहीं और काट दो। चलो अब वो क्या कह रहे थे, प्रतिमा को हटाने की बात कर रहे हैं? वो बोले, उन्होंने हमारे को बोला था जी, बोला भाई मेरे बस से बाहर है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता भाई, ऊपर से आदेश है मिलती तो जी, ये तो गलत होगा जी। कितने गरीबों के लिए प्लॉट अलॉट हुए हैं यहाँ पे? प्लाट तो जी 250, 300, 350, 350 है। अगर वो प्रतिमा हटाते हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हमारा तो यही रहेगा जी कि ये तो एक उसकी शहीद की बेइज्जती है जी, इसमें ये कोई एक का हमारा या गांव का तो शहीद नहीं है, तो पूरे देश का शहीद है। तो इसके हटाने के विरोध में आप खड़े होंगे क्या? तो खड़ा होना तो पड़ेगा जी, जहाँ तक हम तो हमारे तो सरपंच साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप इसको छोड़ करके कहीं भी प्लाट काट दें, हमें तो कोई इतराज नहीं। सरपंच साहब, आपकी गांव बंचारी में एक शहीद की मूर्ति को हटाने को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ, जो मामला बहुत गरमाया हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि जो ये मूर्ति तोड़ने का एक मामला मुद्दा उठा हुआ है, हटाने का ये बिल्कुल ना गलत तरीके से लोगों ने पेश कर रखा है, जबकि ऐसा नहीं है कि उसको हटा करके कहीं अलग किया जा रहा है, उनको शहीद स्थल पे लाने का काम हम लोगों ने बोला था। जैसा कि अभी जो प्लॉट है हमारे, ये मुद्दा चला था प्लॉटों से, और मैं आपके माध्यम से आपको दिखा दूँ ना आपको, ये चीज जो ये शहीद की प्रतिमा बनी हुई है, वो प्रतिमा किला नंबर 3 में बनी हुई है जी। और कुछ किला नंबर 2 का हिस्सा है, जिसमें हमारे गरीब बीपीएल परिवारों की
प्लॉट कटी हुई है, और ये जरा आपने अपने कैमरा से थोड़ा करीब करके दिखाना, ये प्लॉट धारक है, इसकी किला नंबर 3 में प्लॉट है, और ये वो प्लॉट मांगता है मेरे से, और ये कोर्ट द्वारा ये लोग केस जीते हुए हैं और कोर्ट के ऑर्डर आए हुए हैं तोड़फोड़ करने के, जो लास्ट डेट जो अभी 14 तारीख की गई थी, 14/3/2024 को मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगी थी, मिस्टर राजवीर हैं जन विभाग के, उनके किन्हीं कारणों से उनके फोर्स नहीं मिली, इस कारण वहाँ पर तोड़फोड़ नहीं हुई थी। आप हमें ये बताइए कि जो लोग बार बार कह रहे हैं कि शहीद का अपमान किया जा रहा है, कहाँ अपमान हो रहा है शहीद का भाई? जिनकी ज़मीन है, गरीब आदमियों की ज़मीन है, उनको हम ज़मीन तो देने का काम कर रहे हैं। रहा शहीद का मसला, तो महिलाल जी का पहले भी हम मान सम्मान करते आए हैं, पूरे गांव ने पहले भी मान सम्मान दिया था, और उनकी जो एक्चुअल प्रतिमा है जब वो शहीद हुए थे, जो सरकार द्वारा लगाई हुई है, वो प्रतिमा गर्ल स्कूल में लगी हुई है, तो दूसरी जगह एक ही गाँव में प्रतिमा लगाने के उनके पास पेपर कहाँ से आए? वो अपने जरा पेपर ला के दिखा दें कि किस तरह से, किसके कहने पे वहाँ पे प्रतिमा लगी है। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट बनाया हुआ है इन लोगों ने, और इस प्रतिमा को लेके ये लोग, अब इलेक्शन का दौर आ रहा है, विपक्ष लोग इस पे ना बार बार इसको टिप्पणी दे करके इसमें एक तूल देने का काम कर रहे हैं, जबकि ये गलत चीज़ है, इसको तूल ना दिया जाए। शहीदों का सम्मान हर कोई भाई करता है, हम भी करते हैं, शहीदों के सम्मान को लेकर ही गाँव बंजारी में शहीद सथल बनने जा रहा है, तो शहीदों का सम्मान तो वहाँ होगा। यहाँ पे जब इनके पास लीगल अगर हैं, इनके पास पेपर हैं, तो अपना खूब अपना शहीद की प्रतिमा लगाइए, मैं कहाँ से दे दूँगा इनको अपनी जगह, आप बताइए। थैंक यू।